राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मोर को दाना डाला तो कांग्रेस ने कहा उपचुनाव में एक बार फिर मोरिया बोलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJ TV 24। बात है साल 2020 की। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय पक्षी मोर के साथ समय बिताया और सोशल मीडिया पर तस्वीर डाली तो चर्चाओं का विषय बन गया। प्रधानमंत्री मोदी के बाद एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय पक्षी मोर के साथ समय बिताया और सोशल मीडिया पर एक तस्वीर डाली जो कि एक बार फिर चर्चाओं का विषय बन गई है। सोशल मीडिया पर तस्वीर डालते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिखा, आज प्रातःकाल की बेला में मुख्यमंत्री आवास पर भगवान कार्तिकेय के वाहन पक्षियों के राजा राष्ट्रीय पक्षी मोर को आहार प्रदान किया। ईश्वर द्वारा सुसर्जित भगवान श्री कृष्ण की परछाई के रूप में विख्यात राष्ट्रीय पक्षी मोर सौंदर्य, प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। इनकी सेवा स्वयं में आराधना है जो दिव्य कृपा से कम नहीं है। जैसे ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह तस्वीर शेयर की, फिर क्या था, विपक्ष ने भी अपना काम करते हुए भजनलाल शर्मा पर तंज कसते हुए लिखा, मोर समझदार है, मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है, क्योंकि 8 महीने में जनता के काम तो कुछ हुए नहीं है। चेत जाइए मुख्यमंत्री जी, मोर को निहारने से नहीं जनता के काम करने से होगा, नहीं तो 6 उपचुनाव में ये मोरिया फिर बोलेगा। यही नहीं, इसके बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की चुटकी लेते हुए नजर आते हैं। एक हस्तीलाल मीणा नाम के सोशल मीडिया यूजर मुख्यमंत्री भजनलाल की चुटकी लेते हुए लिखते हैं, लगता है हमारे CM साहब मोदी जी से इंस्पायर्ड हैं, मोदी जी वाली हरकतें करते हुए हर काम में नजर आते हैं, उनकी कॉपी करने की कोशिश में रहते हैं। वहीं पर दूसरे सोशल मीडिया यूजर विकास गठाला लिखते हैं, बढ़िया खिलाओ फिलाओ CM साहब मोर को, ये उपचुनाव में राजस्थान की पीड़ित जनता आपके लिए फिर मोरिया बुलाएगी। खैर, अब आपको क्या लगता है, राजस्थान के आने वाले उपचुनाव में राजस्थान की जनता एक बार फिर भाजपा को वोट देगी या फिर कांग्रेस को वोट देगी? आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़, नमस्कार।